गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? बड़े होंगे ना भाई, बड़े चाहिए सब लोग, बढ़िया चाहिए, टकाटक चाहिए, सब घर वाले भी टकाटक चाहिए आप सब लोगों के। आशा करता हूँ आप सब लोगों के काम धंधे, पढ़ाई वढ़ाई जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा चल रहा होगा भाई। आपको पता ही होगा इन दिनों में बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने जो बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया था वो सफल हो गया। तो कोई ना भाई, अब जिंदगी को वापस कामों में स्टार्ट करना है। काम किया नहीं, 7 महीने से कोई काम नहीं किया, तो अब इस जो 7 महीने का खड्डा है इसको कवर करना है मुझे इन 2 महीनों में। तो काम की स्पीड 3 गुना बनानी पड़ेगी। लेकिन आज मैं चल रहा हूँ अजमेर, यहाँ से 90 किलोमीटर। तो मैं चल रहा हूँ, न्यू चल रहे हैं, अमित जी चल रहे हैं जो प्रियंका के मेरी वाइफ के भाई हैं, और सालू भाभी जी चल रही है। तो अजमेर है जो ममता दी है, ममता दी के जो बच्चे हैं, मतलब ममता दी जो प्रियंका की बड़ी बहन है, तो वो वहाँ अजमेर है। तो ममता दी का बच्चा है रेसु, तो रेसु का बर्थडे है, उसके बर्थडे में चल रहे हैं अपन, क्योंकि नीव की और रेसु की फ्रेंडशिप है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नीव को वो कॉल कर रहा है कि उसको तो लेके आओ, तो चलना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं, रेडी हो गया हूँ मैं, है ना, और दिखाता हूँ आज आपको अजमेर घुमाता हूँ। तो भाई नीव राजा हमारे साथ में आ गया है, अब अमित जी को और शालू भाभी को इनको ले लेते हैं, चलते हैं भाई। तो भाई अब चलते हैं अपन अजमेर। तो हमारे दो चुनून मोलो ये मिल गए भाई साहब। अब ये माता खा जाएंगे या सो जाएंगे, और आगे तो इनकी गैंग और मिलने वाली है ना। सो गए हैं भाई, शैतान तो सो गए दोनों के दोनों। बहुत देर से मतलब शैतानी कर रहे हैं तगड़ी वाली, और अब चिट्टी विट्टी गुम, फिर चार्ज हो गई, फिर शैतानी। अजमेर पहुंच चुके हैं और चलते हैं ममता दी के घर पे। 7 वंडर पार्क अजमेर। रेशु के लिए और वो स्वीट्स वगैरह या फिर चॉकलेट वगैरह कुछ देख लेते हैं यहाँ से। चलते हैं अब रेशु के पास में। उठ गए उठ गए उठ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इधर इधर बोलो बोलो, कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गैंग मिल चुकी है फाइनली तुम लोगों की, है ना? ऐसे करना पड़ता है क्या? नहीं हूँ। दोनों के दोनों बिस्किट खा रहे हैं। तो आज हमारे प्यारे प्यारे ऋषभ का बर्थडे है। आ जाओ झूले पे चलो, झूले पे चलो। आपका थोड़ी है, आपका थोड़ी, रिशु भैया का है बर्थडे। तो पूरा मुंह छिल गया था उस फोटो में ना। क्यों बोल ही लेकर जानते नहीं है बेटो। बॉल दे दो। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? नीव इधर आ। आप भी आ जाओ।
ईमेल है बेक कर तो गाइस पहाड़ों के बीच में रहने का मजा ये है भाई, मतलब सुबह सुबह उठो और देखो सीन देखो यार है, ये पहाड़ियों पहाड़ियों के बीच में रहते हैं इधर ममता जी, है ना भाई सीन देखो, पास में ही है बिल्कुल पहाड़ियाँ। और इसके उधर की साइड है पुष्कर, वो तारागढ़ है, ये तारागढ़ है और इधर है जो अजमेर सिटी है, उन नारियली बारियली बड़ी दिख जे आप इसको हटा दोगे या तो भाई आज का दिन है जो बच्चों के नाम, बच्चों के साथ जो मजा है, बचपन याद आ जाता है पता है ना आपको खेल रहे हैं, पीछे गिफ्ट आया है रिशु को एक साइकिल, तो खेल रहे हैं सब, एक्साइटेड है बहुत। तो गाइस रिशु का बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर लिया और अब खूब मस्ती कर ली और अब चलते हैं मालपुरा की तरफ। तो रिशु बाय बाय, है ना, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, है ना, आप आ रहे हो ना मिलने अब की बार, हाँ विंटर्स की छुट्टी में आओगे। तो गाइज ममता जी और सालू भाभी जी कर रहे हैं फोटोशूट और अब जाने का टाइम हो गया है, तो लास्ट टाइम ये लोग फोटोशूट कर रहे हैं और अब चलते हैं भाई। और अरे नहीं नहीं इधर नहीं, रोड पे नहीं, जल्दी प्यारी करो, जल्दी तो, करो प्यारी। तो प्यारी करो फिर चलेंगे, पहले प्यारी करो अब करियो जी चलो ठीक है मुंडा दी बाय, सिया तो यही रहेगी ना, सिया यही रहेगा, अरे बिठाओ बिठाओ, न्यू चल रहा है साथ में, चलो ठीक है ध्यान रखना अपना। तो सिया रो रही है न्यू को यहाँ रखने के नाम से रो रही है भाई खतरनाक है। वाओ आना सागर देखो सामने, आना सागर दिख जाएगा, भाभी जी देखो सीन मस्त सीन है, चलो फिर मैं उधर ही आता हूँ, देखा तो उधर ही रहा हूँ जो एक दो मिनट, तो गाइस अगर आप आ जाओगे तो आना सागर झील, हाँ तो देखो अजमेर में घर कैसे बने हुए हैं, चलो फिर जाए हो जाए वहाँ पे ना, ऊपर ऊपर बने हुए भाभी जी डूंगर पे, ओके सर मैं आज अब तक तो जरूर मिलेंगे, नहीं तो फिर निकल जाएंगे, इनकी सारी गाड़ी उधर ही कहाँ रखते हैं, नहीं अजमेर की बनावट ऐसी है भाभी जी सारी, हाँ बसावट ऐसी है यहाँ की, क्यों अमित जी अजमेर की बना बसावट ऐसी है डूंगरों पे, ऊपर का बड़े। तो गाइस ये है यहाँ की छोटी सी पुलिया, मतलब लंबी बहुत है लेकिन पतली देखो कितनी है, और ये देखो विंटेज यहाँ का पुराने जमाने की हवेलियाँ, ये अंग्रेजों की स्ट्रक्चर है, वहाँ इधर देखो ये सुपर स्टॉप बन रहा है इधर भाई, अजमेर प्रगति पे तो है लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए था, किला है ये अकबर का किला, अकबर था आता था क्या यहाँ पर, और अजमेर पुलिया से कुछ यूं लग रहा भाई ऊपर, मतलब पहाड़ी पहाड़ियाँ चारों तरफ अजमेर में देखो, यह है क्लॉक टावर थाना, ये रेलवे ये अजमेर जंक्शन आ गया, ये देखो भाई विंटेज है भाई, तगड़ा ही लगता है पुराने जमाने की स्ट्रक्चर, तगड़ा ही लगता है। तो गाइज हम जा रहे हैं सरोज देखे और उनको सरप्राइज देंगे, उनको बताया नहीं है हमने अभी तक, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, बता रहे कि एकदम से कोई इंसान आ जाता है तो तो देखते हैं सरोज जी का क्या रिएक्शन रहता है, उनको पता नहीं है हम आ गए, चलो हाँ कहाँ चुप रहे हो कहाँ चुप रहे हो, हाय हेलो कैसे हो की
सरप्राइज किसके करवाई तो सरप्राइज नहीं किसमें घुस गया तो भाई अब सीधा चलते हैं मालपुरा और मिल लिए दीदी से सरोज जी से। अरे पापा तो चलेंगे ना साथ में चलेंगे बाय अच्छा लेके चलेंगे आपको लेके चलेंगे सरोज बोल सरोज ये यही रहेगा बेटा नीव यही रहेगा नीव तो नीव को यही छोड़ चले अपन नहीं नीव को यही छोड़ चले ठीक है करना आए थे बाय